नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप वैल्यूट का यूज करते हैं, वर्ल्ड एप्लीकेशन का यूज करता है, तो वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर से आपकी फोटो डिलीट हो चुकी है। चाहे आपकी फोटो कितने भी पुरानी हो, आप ऐसा मानिए कि आपका फोन फॉर्मेट हो गया कहीं से किसी गलती से, या आपकी फोटो किसी ने मिटा दी किसी गलती आपकी गलती से आपकी फोटो मिट गई है, तो आप उसे वापस कैसे ला सकते हैं, उसको रिकवर कैसे करते हैं, उसको बैकअप कैसे करते हैं। फ्रेंड, आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको वैल्यूट के बारे में बताएंगे किस प्रकार से बैकअप करें। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड उनका जो ट्रिक है वो काम नहीं करता है, उनके अंदर फोटो नहीं आती है। तो जैसा कि फ्रेंड मेरे 10 महीने पुरानी फोटो आ चुकी है, तो मैंने सोचा कि मेरे को इस वीडियो को बना के लोगों तक शेयर कर देना चाहिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। क्योंकि यार दोस्तों, वैल्यूट के अंदर जो फोटो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे कोई भी जो फालतू फोटो होती है वो वैल्यूट में नहीं रखता, जो इंपॉर्टेंट होती है वो फोटो होती है वो ही रखता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको पूरी तरह बताने वाला हूँ, लेकिन जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सारे स्टेप को फॉलो करना है। और आगे बढ़ने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे वीडियो के नीचे फ्रेंड इस प्रकार का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके उसको नीला करें। उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन देखने को मिलेगा। फ्रेंड देखिए, उस बटन पर क्लिक करना है, लाल कलर का बटन लिखा है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब SUBSCRIB। उस पर क्लिक करने के बाद में घंटी जैसा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक उसका मैसेज सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वैल्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से डाउनलोड है वैल्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो उसको डिलीट करके अनइंस्टॉल करके आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से यूज करना है। क्योंकि फ्रेंड वो उस आपके जो वैल्यूट एप्लीकेशन है उसके अंदर वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि प्ले स्टोर इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं देता है। लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल बताने जा रहे हैं। तो पहले तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करें, उसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ किस प्रकार से आप अपने वैल्यूट से डिलीट फोटो को कैसे वापस ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ, तो फ्रेंड मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो फोटो नहीं आएगी। बाद में आप बहुत सारी कमेंट करोगे कब वर्क नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, अगर फ़ोन में है तो भी उसको डिलीट करके मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। तो इसके बाद में इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको बता देता हूँ किस प्रकार से स्टेप करना है चाहिए। और फ्रेंड, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है कि आपको ये इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। देख लेते हैं, हम इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं, इसको अलाउ अलाउ कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे स्टेप को मिस नहीं करना है। यहाँ पे आपको कोई भी अपना जो भी आपको पासवर्ड है, जो भी आपको पिन की नंबर है वो लगा देना है। तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये लगा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे अलाउ करता हूँ, इसके बाद में ये लगा देता हूँ वापस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद में नो थैंक्स पर क्लिक करना है। एंड फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक भी फोटो नहीं देखने को मिलेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये देख, सॉरी फ्रेंड, इसके अंदर मेरी पहले से फोटो है, क्योंकि यार मैंने इसे मैं पहले से यूज कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैं फोटो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये तो इज़ द पर्सनल मैटर। एंड फ्रेंड बहुत ही प्राइवेट फोटो है, आप सभी लोग समझ सकते हैं कौन सी फोटो हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है साइड बार में, इसके बाद में सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ये क्लाउड बैकअप सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, जिस भी ईमेल से आपने पहले साइनअप कर रखा था वो ईमेल और वो उसका पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। और फ्रेंड अगर आपको उस ईमेल का पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट पासवर्ड को बोल के वापस लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस पर क्लिक करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड इसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में शायद यहाँ पे ईमेल मिल, हाँ तो देख लेते हैं फ्रेंड एक बार, मेरे को याद नहीं है इसका पासवर्ड, तो लगा के देख लेते हैं। इसके बाद में देखिए क्या करना है, फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो लॉगिन होने के बाद में वापस बताता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड देखिए अब ये बात हो गई। अब आपको यहाँ पे स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर इसके बाद में देखिए फ्रेंड आपके यहाँ पे जो भी मिटी हुई फोटो है, फ्रेंड मेरी मतलब 12 महीने पुरानी फोटो है। मैंने पहले मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया था, सब कुछ फॉर्मेट हो गया था, उसके बाद मेरे को इन फ़ोटो की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इनके जो ये जो इसके मेन हेड ऑफिस है उसमें मेल किया, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इस पर क्लिक करके आपको देखिए ये फ़ोटो है, ठीक है। अब आपको इनको वापस कैसे लाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस बैक आना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड, ये ट्रिक करने के बाद में आपको वापस आना है। वापस आने के बाद में आपको सामने ये दिखे ये जैसा देखने को मिलेगा, आपको बैक आना है वापस, ठीक है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद में क्लाउड बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड आपको देखिए यहाँ पे
ये रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो भी फोटो है, जो मतलब 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, और पूरी फोटो वीडियो आप मतलब इसके अंदर जो भी आपने सेव किया कर रखा था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो प्लस फोटो प्लस कोई भी ऐसा कॉल लॉग या कोई भी चीज़ें जो सारी आपने इसके अंदर सेव करके रखी थी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में।